स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 2, और इस पाठ के, इस कविता के जो रचनाकार हैं लालाओ वो हैं आलोक धनवा। ठीक है, पहले हम इनका सामान्य सा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद कविता पर आएंगे। देखिए, आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर में, मुंगेर बिहार में हुआ था, यानी मुंगेर जो जिला है वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, जहां 1948 में आलोक धनवा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी जो पहली कविता थी वह लालाओ जनता का आदमी, इनके द्वारा रचित जो पहली कविता थी वो है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रनों की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, ये इनके एकमात्र संग्रह रहे हैं। इन्हें सम्मान जो मिले थे वो राहुल सम्मान मिला था, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला था, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, ये इनको सम्मान मिले थे। ठीक है, 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपने गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी, छोटी कविताओं से। सन 1972 से 1973 में इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही थी। आलोचकों का तो यह भी मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से भी नहीं हो पाया है, है ना। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। उन्हें जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी भागीदारी निभाई है। ठीक है भाई, ये तो इनका सपरिचय रहा है। अब मैं आता हूँ कहाँ, चैप्टर पर। इनके कविता है लालाओ जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, जिसका नाम है पतंग। इस पतंग कविता के माध्यम से आलोक धनवा जी ने प्रकृति में होने वाले जो आम परिवर्तन हैं, उन आम परिवर्तनों को बारीकी से उभारा है कि प्रकृति जैसे ही बदलती है, समय बदलता है, वातावरण बदलता है, वातावरण के साथ प्रकृति के जो उपादान हैं, क्रियाकलाप हैं, है ना, वो दृश्य हैं, वो सब कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से जो बाल मन की जो संकल्पनाएं हैं, बाल मनोविनोद जो है ना, बाल स्वभाव, बालकपन की कोमलता, बचपन के क्रियाकलाप, उनको भी इस कविता के माध्यम से क्या किया गया है, उजागर किया गया है, बड़े ही सटीक ढंग से किया गया है। और ये कविता हमें प्रेरणा भी देती है, मार्गदर्शन भी हमारा करती है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। जैसे सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, सबसे पहले परिवर्तन प्रकृति में क्या होता है, जैसे ही बरसात का समय खत्म हो जाता है, जैसे ही चौमासों का समय खत्म हो जाता है, बरसात का समय खत्म हो जाता है, बरसात का समय खत्म होने के बाद भादो बीत जाता है, भादो का महीना चला जाता है, और भादो के बीतने के बाद सवेरा होता है। सवेरा होने से मतलब एक नए परिवेश की शुरुआत होती है, एक नए वातावरण की, नए मौसम की शुरुआत होती है, और ऐसा लगता है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा सरद आया पुलों को पार करते हुए। यानी कि जब वर्षा का समय बीत जाता है, भादो भी निकल जाता है, उस समय
उसके बाद जो वातावरण बनता है, प्रकृति का दृश्य बनता है, वो ऐसा लगता है जैसे आसमान में एकदम खरगोश की आंखों की तरह लाल लाल जो प्रकाश है वो छा गया हो। यहां नए बिंबों का, नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। यहां बादों के महीने के बाद जो सवेरा होता है, उस सवेरे की कल्पना किसके रूप में की गई है? खरगोश की आंखों के जैसे लाल लाल, है ना, प्रकाश से की गई है कि वो ऐसा लगता है सवेरा जैसे खरगोश की क्या हो, लाल लाल आंखें हो, सुनहरी आंखें हो। शरद आया और शरद ऋतु तो ऐसे लगती है जैसे कई पुलों को पार करती आई हुई, जैसे कई पुलों को पार करके वो आई हो। एक पुल किसका पार किया हो? वर्षा काल का, फिर भादु का, यानी फिर शरद ऋतु का क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी बच्चे जो होते हैं वो क्या, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे बड़े आनंदित हो जाते हैं, साइकिल चलाने लग जाते हैं, घंटियां बजाने लग जाते हैं, है ना, जोर जोर से दौड़ धाल करने लग जाते हैं। और वो ऐसा लगता है कि वो सारे बच्चों का जो झुंड है वो किसका, किसकी बात जो रहा था, इस शरद ऋतु के आगमन की बात देख रहा था, इस शरद ऋतु को मानो बुला रहा था। ऐसा लगता है उन बच्चों का, उन बच्चों का चहकना, उन बच्चों का, बच्चों के इशारे, जैसे वो बच्चे क्या कर रहे हों, शरद ऋतु को बुला रहे हों, ऐसा लगता था, है ना, कि पतंग ऊपर उठ सके। वो बच्चे इसलिए उतावले हो रहे होते हैं शरद ऋतु के लिए, शरद ऋतु को इसलिए आमंत्रित करते हैं ताकि वो शरद ऋतु में क्या कर सकें, आराम से, मस्ती के साथ, खुलेपन के साथ, अपने बाल स्वभाव के अनुरूप क्या कर सकें, पतंगों को उड़ा सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। बच्चों के लिए जो उनकी पतंग होती है वो दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है, सबसे मुलायम होती है, सबसे कम वजनी चीज होती है, क्या, पतंग। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। और बच्चों के लिए वो कागज, जो कागज पतंग में इस्तेमाल किया जाता है वो कागज उनके लिए सबसे क्या होता है, पतला कागज होता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और जो बांस की डंडियां पतंग बनाने के काम आती हैं वो बांस की डंडियां भी पतंगों के साथ साथ कहां उड़ सकें, आकाश में उड़ सकें, आसमान में उड़ सकें। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां, तितलियों कितनी नाजुक दुनिया। और फिर जैसे ही बच्चों को शरद ऋतु का वातावरण मिलता है, शरद ऋतु के वातावरण मिलते ही बच्चे आसमान में पतंग उड़ाने लगते हैं, कागज आसमान में उड़ने लगते हैं, बांस की पतली पतली कमानियां जो हैं वो आसमान में उड़ने लगती हैं, तितलियां इधर उधर गुंजार करने लगती हैं, है ना, आसमान में वो पृथ्वी पर, घरों की छतों पर बच्चों की सीटियां, किलकारियां, ये सब गूंजने लग जाती हैं। और तितलियां भी उस समय क्या करने लग जाती हैं, इधर उधर भिनभिनाने लग जाती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों का जब जन्म होता है तो जन्मते ही बच्चे को किस में रखा जाता है, कपास में लपेट करके रखा जाता है, रुई में लपेट करके रखा जाता है। जिस तरह रुई कोमल होती है, मुलायम होती है, उसी प्रकार से बच्चे का स्वभाव जो होता है वो जन्मजात क्या होता है, कोमल होता है, विनम्र होता है। यहां भी ये बात कही जाती है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी बच्चे पैदा होते ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। कपास लाने का मतलब है कि वो पूरी तरह से कोमलांगी होते हैं, कोमल उनका मन होता है, कोमल उनकी वाणी होती है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि पृथ्वी उन बच्चों के पास खुद घूम करके आई है, खुद चल करके उनके पास पृथ्वी आती है, ऐसा उनके क्रियाकलापों को देख करके लगता है। जब वे दौड़ते हैं, जब बच्चे दौड़ने लगते हैं तो एकदम बेसुध हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल क्या नहीं होता, अपने शरीर का भी होश नहीं रहता,
अपने क्रियाकलापों का भी उन्हें कोई होश नहीं रहता है, छतों को भी नरम बनाते हुए अपने कोमल कोमल पैरों से, नरम नरम पैरों से छतों को भी क्या बना देते हैं, कोमल बना देते हैं। दिशाओं को मृदंगों की तरह बजाते हुए, और दिशाओं को ऐसे बजाते हैं यानी कि जैसे मृदंग बज रहे हों, यानी कि चारों ओर उन बच्चों के क्रियाकलाप, उनके ही हो हल्ला, उनकी ही किलकारियाँ, उनकी ही सीटियाँ, उनकी ही पतंगे वातावरण में दिखाई देती हैं जब वो पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और जब वो पैंग भरते हुए चलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे के पेड़ की कोमल क्या हों, डालियाँ हों, लचकदार डालियाँ हों, ऐसे प्रतीत होते हैं कौन, बच्चे। तो यहाँ बच्चों के विशेषताओं का कवि क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। और जो छत होती है ना, छतें होती हैं जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, दौड़ते हैं, अपने खेल खेलते हैं, उस समय सारी सुध भूल जाते हैं। उस समय उन्हें गिरने से अगर कोई बचाता है तो कौन बचाता है, जो दीवारों के चारों तरफ जो मुगडेर बनी होती है वो मुगडेर उन्हें बचाती है। अगर वो मुगडेर ना हो तो बच्चे कहाँ गिर सकते हैं, छतों से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो चलते 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 ही चले जाते हैं और छतों की मुगडेर के पास अड़ जाते हैं, तब जा करके उन्हें होश आता है कि ये तो दीवार ही खत्म हो गई, छत ही खत्म हो गई। उस समय गिरने से अगर कोई बचाता है उन्हें तो वो दीवार ही बचाती है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। उन बच्चों का और कोई सहारा नहीं होता उस समय, एक धागा, जो धागा उनके हाथ में होता है और ऊपर पतंग में लगा होता है, वही धागा उन बच्चों को क्या करता है, संभालने का कार्य करता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी कि बच्चे उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि पतंगे तो आसमान में उड़ी रही हैं, उनके साथ साथ बच्चों के हाथ पैर भी उड़ रहे हैं, बच्चों के शरीर भी उड़ रहे हैं, बच्चों का जो मन है वो भी कल्पनाशील हो रहा है ना, अपने रंध्रों के सहारे यानी अपने इंद्रियों के सहारे वो बच्चे भी ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे वो भी क्या कर रहे हों, कल्पनाओं में उड़ रहे हों, भावनाओं में उड़ रहे हों, है ना। अगर वे कभी गिरते हैं छतों खतरनाक किनारों से, अगर वो कभी वो बच्चे अगर कभी छत से नीचे गिर भी जाते हैं, मानो वो बच्चे कभी छतों से कहाँ हो जाए, नीचे भी गिर जाए और गिर करके वो बच जाए, तब तो उनका हौसला, उनकी आशाएं बड़ी बुलंद हो जाती हैं, तब उन्हें बड़ी हिम्मत बन जाती है, वे और भी दिक्कत हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तब तो वो बच्चे और अधिक उत्साहित हो जाते हैं, और अधिक खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, उनका हौसला बुलंद हो जाता है। कब हो जाता है वो, जब वो छतों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद उन्हें क्या नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है, वो गिर करके भी बच जाते हैं, तब वो संभल जाते हैं, और संभल जाते हैं तो उनका हौसला और बुलंद होता है, उनकी आशाएँ, उनकी उम्मीदें, उनकी संकल्पनाएँ और बढ़ जाती हैं। यही कवि यहाँ हमें प्रेरणा देना चाहता है कि व्यक्ति जब चोट खा लेता है और चोट खाने के बाद गिर करके वो संभल जाता है, उसके लगती नहीं है, तो व्यक्ति भी अपने जीवन में क्या हो जाता है, संभलता है और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसित होता है, और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी, पृथ्वी भी उनके पैरों के पास क्या कर रही हो, घूम रही हो। तो इस कविता में नए बिंबों के माध्यम से, नए प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों का वर्णन किया है कि जब शरद ऋतु आती है तो किस तरह का वातावरण होता है ना, और वर्षा काल में किस तरह का होता है, बच्चों का मन, उनका उत्साह, उनके क्रियाकलाप, उनके खेल किस तरह के कोमलांगी होते हैं, तो बच्चों के मृदुल स्वभाव का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। ठीक है भाई।